भाई मेरे हिसाब से तो कैमरामैन के मजे ही है। अच्छा तो भैया तुम भी फटफट कैमरा सीखो। सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीजों को फोकस करने मिलकर तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ भैया जल्दी फोकस करो, कोई भी चीज ब्लर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर दिखना चाहिए। हाँ देखा, कैमरामैन से कहा फोकस कराया जा रहा है। सोचो अगर तुम डायरेक्टर होते तो तुम क्या बोलते? भैया उनका तो पता नहीं, पर मैं यही बोलता कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे भैया अगर तुम होते तो नौजवान लौंडे का तो मजे ही होते। लेकिन ना जाने तुम में से कितने लौंडे सोच रहे होंगे कि ये वीडियो और देखने को मिल जाए। बात तो सही है। देखो भाई, किसी किसी के कैमरामैन इतना ज्यादा समझदार होते हैं कि उन्हें पहले ही पता होता है कि फोकस कहाँ करना है। और कुछ कैमरामैन के साथ साथ वीडियो बनाने वाले भी समझदार होते हैं, वो पहले ही पता लगा लेते हैं कि आखिर पब्लिक देखना क्या चाहता है। आप देखो दोस्तों, इनकी हर वीडियो पिछवाड़े से स्टार्ट होता है। कैमरामैन चाहे तो सामने से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, कैमरामैन को तो सिर्फ पिछवाड़ा फोकस करना है। बताओ मजा आया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खैर ये तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, लड़की पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, लेकिन ये जरूर पता है कि इनका कैमरामैन जरूर खराब हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, कैमरामैन तो कैमरामैन है, कहीं भी फोकस कर सकता अच्छा। है। ये तुम ये मत सोचो कि तुम बीड़ी पी हो गए और कैमरामैन तुम्हें फोकस नहीं करेगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देख रहे हो भैया, फोकस धराधर सूत्रा चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान अपना चेहरा दिखाने के लिए ही कैमरा फोकस कराए, हो सकता है और कुछ दिखाने के लिए कैमरा फोकस कराया गया हो। फोकस के साथ लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। सोचो अगर कैमरामैन फोकस नहीं करता तो शायद तुम्हें ये पता नहीं चलता कि सारी कैसी बांधी जाती है। इतना सुकून। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि कैमरामैन इस काम के पैसे लेते होंगे या फिर फ्री में करते होंगे। भैया मुझे तो लगता है फ्री करते होंगे, तुम्हें लगता है कि पैसे लेते होंगे वो? सही कह रहे हो भाई, अद्भुत अद्भुत चीजें देखने को मिलता है, फ्री में ही लगे होंगे साले। मस्त जोक मारा रे, यह हंस रहे अलकट हंस। पहले अगर किसी की दिल चोरी होती थी तो किसी को कानों कान भी खबर नहीं होता, लेकिन अब पूरे देश को पता चल चुका है। भैया अगर कोई चीज चोरी हो जाए ना तो पहले थाने में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन यार रिपोर्ट लिखाने के बजाय रील बन रही है। अगर तू वकील बदलने की औकात रखता है। अरे अरे वकील नहीं, पहले कैमरामैन चेंज करो, कैमरामैन चेंज करो यार। आप दोस्तों, आप सबको तो पता है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आपको प्यार नहीं मिला तो प्यार आपको खुद ही ढूंढ लेता है। अरविंद कहाँ पे है? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ बाजू में प्यार करने के लिए, आ जाइए, आई लव यू अरविंद। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो अरविंद को भेजो, जो प्यार करने वालों को मिला ना हम सबका फर्ज है। जाइए, आई लव यू अरविंद। मिलने से याद आया दोस्तों, आप हमसे भी मिल सकते हैं। हमसे मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप मुझसे रोज मिल सकते हैं एक नई वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तेरे कसम बिल्कुल सीधी सादी थी मैं, तूने लड़की खराब कर दी।